Hi guys, welcome to the study destination. आज हम बात करेंगे स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के 10th और 12th सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है विशेष जानकारी। दोस्तों आपको पता है कि फरवरी मार्च में एग्जाम होने के बाद उसका रिजल्ट जून में आना चाहिए था, पर इस बार कोविड-19 के हालात से सबको चौंका दिया और रिजल्ट लेट यानी कि जुलाई में लगा। आज तक ये री एग्ज़ाम जुलाई में होती थी और रिजल्ट अगस्त में आता था, तो बच्चों का एकेडमिक ईयर वेस्ट नहीं होता था। ये सुविधा भूतपूर्व शिक्षा मंत्री विनोद जी तावड़े साहब ने शुरुआत की थी, पर अब इस बार कोविड-19 की वजह से शिक्षा मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ ने ये री एग्ज़ाम अक्टूबर में लेने का फैसला किया है। लेकिन इस निर्णय की वजह से बच्चों का एक साल बर्बाद हो सकता है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 9 सब डिविजनल बोर्ड्स हैं, उन्हें शिक्षा मंत्री साहिबा ने इन्फॉर्म किया है। इसके मुताबिक अब 10th की एग्जाम अक्टूबर 1st से लेकर 23rd अक्टूबर तक और 12th की एग्जाम 1st अक्टूबर से लेकर 29th अक्टूबर तक ली जाएगी। दोस्तों इसमें कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, तो वो खबरें जैसे ही पता होगी तुरंत उसकी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों रिपीटर्स एग्जाम की जानकारी यहाँ तक काफ़ी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आपने मेरा अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो बिल्कुल मुफ्त है। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।